हेलो दोस्तों, तो आप सबको बता दूं कि आरसीबी की तरफ से एक बहुत बड़े न्यूज़ अपडेट आ रहा है, क्योंकि आरसीबी का मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि रजत पाटीदार, जो कि पिछले साल आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी किए थे, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन इस बार चोटिल होने के कारण 2 मैच से बाहर है और पूरा आईपीएल इस साल के सीजन से बाहर हो चुके हुए हैं। और उसके जगह पर आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि न्यू प्लेयर को रिप्लेसमेंट में लाया जाए। वो न्यू प्लेयर कौन है, कहाँ से और किस तरह के वो प्लेयर है, उन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइस, तो आपको बता दूं कि उसके जगह पे जो प्लेयर रिप्लेसमेंट में आया है वो मात्र 20 लाख के रिप्लेसमेंट पे आया है, और वो प्लेयर कोई और नहीं विजय कुमार विशाख है। विजय कुमार विशाख एक ऐसे प्लेयर है जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर है, जो कि 140 के स्पीड से कंटिन्यू बॉलिंग फेंक सकते हैं, तो वो उस तरह के बॉलर है। गाइस, आपको बता दूं कि विजय कुमार विशाख का पूरा नेम विजय कुमार विशाख है, और इनका जन्म 31 जनवरी 1997 को कर्नाटका के बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि अभी काफ़ी युवा है, मात्र 26 साल के क्रिकेटर है, जो कि एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं। और बैटिंग स्टाइल इनका राइट आर्म बैटिंग स्टाइल है, और बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा बॉलिंग करता है, और 140-145 के स्पीड से ये कंटिन्यू बॉलिंग कर सकते हैं। तो आरसीबी के खेमे में भी बॉलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरत है आरसीबी को बॉलिंग सुधार करने का। पिछले ही मैच में आपने देखा था केकेआर किस तरह से इनके बॉलिंग को पिटाई की थी। गाइस, तो आपको बता दूं कि यह टीम में एज अ बॉलर के रूप में खेलेंगे, और ये बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है। गाइस, आप साथ में यह भी बता दूं कि इनका T20 रिकॉर्ड किस तरह का है, जो रिकॉर्ड देकर के आरसीबी ने इसको टीम में अपना शामिल किया है। गाइस, आपको बता दूं कि ये T20 के 14 मैच के 14 इनिंग में 22 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि इसका बेस्ट बॉलिंग इनिंग जो होता है वह है 5 रन देकर के 3 विकेट। और इकॉनमी रेट पर ध्यान दिया जाए, इकॉनमी रेट इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि 7 है। अगर फास्ट बॉलर का 7 का इकॉनमी रेट और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलिंग करता है, तो ये समझ सकते हैं किस तरह का बॉलर है। गाइस, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।